कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तवा बर्गर, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तवा बर्गर बनाने के लिए हम गैस पे मीडियम आंच पे तवा को चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच रिफाइंड। रिफाइंड गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद डाल देंगे 2 बड़ा कटा हुआ प्याज। और इसको हम हल्के से भून लेंगे, पकाना नहीं है हमें, बस कलर चेंज करना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 1/2 कटा हुआ गाजर, हरी शिमला मिर्च, लाल वाली शिमला मिर्च, अगर जो आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप बगैर शिमला मिर्च के भी बना सकते हैं। अब इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें डाल देंगे 2 कटा हुआ टमाटर, स्वाद अनुसार नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि चीज में भी नमक रहता है। इसके बाद डाल देंगे 2 चम्मच शेजवान चटनी, अगर जो आपको पास नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे। सारे सब्जियों को हम मिला लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ छोटा छोटा पनीर 100 ग्राम के करीब, थोड़ी सी धनिया पत्ती, इसको भी हम मिला लेंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा आलू भी इसमें डाल सकते हैं बॉयल किया हुआ। पनीर भी अच्छी तरह मिल चुके हैं, अब इसमें डाल देते हैं चीज, ये कद्दूकस कर दिए हैं, इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छी तरह। जब तक ये मिल्ट नहीं हो तब तक हमें मिलाना है। सब्जियों में चीज अच्छी तरह मिल चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। अब हम ले लिए हैं बन, और बन को हम बीच से इस तरह से काट देंगे। इसी तरह से और दोनों भी काट देंगे। और इसी तवा में धीमी आंच करके ये जो कटा हुआ बन है उसको हल्का हल्का सा सेक लेंगे। इस तरह से देखिए सेक लिए हैं, ज्यादा सेकना नहीं है हमें, वैसे हो गया। अब गैस को बंद कर देते हैं। अब हम बिना कंजूसी किए हुए इस फिलिंग को इस पाव के ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरह फैलाना है, इस तरह से इसे फैला दिए। अब इसको ढक देंगे। इसी तरह हम इसे भी डाल देते हैं इसके ऊपर भी। अच्छी तरह से भर चुके हैं फिलिंग, ये देखिए। लेकिन अभी खाना नहीं है, अभी इसे हम और टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला पूरा ड्राई है। तो इसको हम टेस्टी बनाने के लिए हम तवा चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे बटर, बटर को अच्छी तरह पिघला लेते हैं। इसके बाद डाल देंगे 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती, हम एक एक करके ये बर्गर रख देते हैं। अब इसे एक तरफ से सिकने देते हैं, उसके बाद इसे पलट देंगे। एक तरफ से सिक गया, अब इसे पलट देते हैं। इधर भी सेक लेते हैं थोड़ी देर। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बर्गर बनके तैयार हो गई है। अब अगर जो मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा बना। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।